मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 2 ऑफ योर जीके बुक विच इज़ अबाउट टाइनी इंसेक्ट्स. टाइनी इंसेक्ट्स होते क्या है? टाइनी मीन्स छोटे, स्मॉल, एंड इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, छोटे छोटे कीड़े. सो सी द फर्स्ट वन, दिस इज हनी बी. इसे क्या बोलते हैं? हनी बी बोलते हैं. हनी बीज आर द मोस्ट वेल नोन काइंड ऑफ बी. और ये कहाँ रहती हैं? ये कॉलोनीज में रहती हैं और ये हनी बनाती हैं. दिस इज अ वेरी यूजफुल इंसेक्ट. ये बहुत यूजफुल इंसेक्ट है. क्यों? बिकॉज ये हनी बनाती हैं, वैक्स बनाती हैं और ये हाइव में रहती हैं. नाउ सी द सेकेंड वन. ये क्या है? बेड बग, जिसे हम लोग खटमर बोलते हैं. इट इज फ्लैट. ये फ्लैट होता है एंड ओवल इन शेप. शेप इसका क्या है? ओवल है. ये बेड्स और सोफास में रहते हैं एंड इट सक्स आर ब्लड एट नाइट व्हेन वी आर एस्लीप. जब एंड इट हैज नो विंग्स. ये इसके पास विंग्स नहीं होता है. सो इट कैन नॉट फ्लाई. दे आर अ टाइप ऑफ इंसेक्ट दैट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड यूजुअली एट नाइट. ये ऐसे टाइप के इंसेक्ट है जिनपे क्या नहीं होता है, जिनमें ब्लड, जिसमें विंग्स नहीं होता है. ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं एंड ये ह्यूमन ब्लड के ऊपर निर्भर होते हैं. नाउ द थर्ड वन इज, ये क्या है? यस राइट, मॉस्क्यूटो. दिस इंसेक्ट फ्यूजेस अराउंड योर ईयर एंड डिस्टर्ब योर स्लीप एट नाइट. जब आप सोते हो तो ये आपके चारों ईयर के चारों तरफ भिन 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 करते रहते हैं. एंड ये भी क्या करते हैं? ये भी ह्यूमन का ब्लड सक करते हैं. ये भी ह्यूमन के ब्लड पे, इट फ्लाइज अराउंड एंड फीड ऑन योर ब्लड. इट कैन स्प्रेड मलेरिया. इससे क्या होता है? मलेरिया स्प्रेड होता है. येलो फीवर एंड अदर सीरियस डिजीजेस थ्रू देयर बाइट्स. जब ये काटते हैं तब ये मलेरिया, फीवर और अदर डिजीजेस भी फैलता है. Mosquitoes are part of a large group of insects called flies. Now the fourth one is butterfly. Butterfly बहुत beautiful होती है because of different colors. ये बहुत different different colors की होती है, इसलिए ये बहुत beautiful insect होती है. With big bright wings. और ये beautiful क्यों होती है? Because इनका wings बहुत colorful होता है, बहुत ज्यादा ही colorful होता है. They fluttered around the flowers in the garden in day. ये flowers के चारों तरफ फ्लॉटर्ड करती रहती है, घूमती रहती है, उड़ती रहती है. एंड बटरफ्लाई सक्स नेक्टर ऑफ द फ्लावर. ये क्या करती है? फ्लावर के जूस को, फ्लावर के नेक्टर को सक करती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंट. इट हैज एल्बोड एंटीनास ऑन इट्स हेड. ये जो हेड पे होता है ना, इसे हम लोग एंटीनास बोलते हैं. दे रन ऑल ओवर द हाउस एंड अटैक ऑल योर स्वीट्स इफ यू लीव देम अनकवर्ड. जब स्वीट्स को आप अनकवर्ड छोड़ देते हो तो क्या उसमें चींटियां लग जाती हैं? व्हाई? बिकॉज चींटियों को स्वीट्स बहुत पसंद होता है. एंट्स कॉलोनीज में रहती हैं एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. आप देखते हो ना, एंट्स को एक एंट तो नहीं आता है. अगर जहां भी जाते हैं आप बहुत सारे एंट्स को देखते हैं और वो बहुत डिसिप्लिन वे में रहती हैं. कैसे? आप देखते हो कि एंट एक स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, कोई इधर कोई उधर नहीं जाती, एक क्यू में जाती हैं. सो क्या कंक्लूड होता है? कि एंट बहुत हार्ड वर्किंग है, एंट बहुत डिसिप्लिन होती हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे लव स्वीट्स. वास्प, ये क्या है? वास्प. दिस येलो इंसेक्ट बजेस अराउंड द गार्डन एंड बिल्ड नेस्ट. ये आपके गार्डन के चारों तरफ उड़ते रहते हैं एंड अपना नेस्ट बनाते हैं. इट इज येलो एंड ब्लैक एंड इट्स स्टिंग कैन बी वेरी पेनफुल. ये येलो एंड ब्लैक में होती है और इसका स्टिंग बहुत पेनफुल रहता है. मतलब जब ये बाइट करती है, जब ये काटती है तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है. इन सम केसेस इट कैन कॉज एक्सट्रीम एलर्जी एंड इवन डेथ. कुछ केसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा एलर्जी भी हो सकता है इनके स्टिंग से एंड कभी कभी डेथ भी हो सकता है. नाउ द लास्ट वन इज ग्रास हॉपर. नो, इट इज नॉट अ ग्रास हॉपर. इट इज अ क्रिकेट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? झिंगुर बोलते हो. रात में आवाज सुनते हो ना, उसे हम लोग, वो झिंगुर की आवाज होती है. ये क्रिकेट की आवाज है. दीज इंसेक्ट्स लव टू मेक अ नॉइज एंड यू कैन हियर देम चॉपिंग एट नाइट इन योर गार्डन. ये आपके गार्डन में,
रात में नॉइज करता है, ये क्रिकेट है। एंड देयर नेम साउंड्स लाइक, ये क्रिकेट कौन सा क्रिकेट? स्पोर्ट वाला क्रिकेट नहीं है बेसिकली, इसका भी CRICKET क्रिकेट होता है, बट दिस इज अ इंसेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू अबाउट टाइनी इंसेक्ट्स विच इज चैप्टर 2 इन योर बुक। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द आंसर्स। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स विच यू हैव टू फिल इन योर GK book, which is chapter 2. Thank you.